वो छेड़ने दीजिए, उसका कमरा खुद गया है, थोड़ा दिन बाद फिल्म खत्म हो जाएगा उनका, तेज प्रताप का क्या हो गया है? अब देखिए, अरे अद्भुत अद्भुत नजारा हमने देखी, अरे देखी इस दरबार में बाबा बागेश्वर का मिलन हो रहा है, मानो इस संसार में। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। देखिए अभी हम पटना में है, पटना से 21 किलोमीटर दूर नौबत एक एरिया आता है और इसी एरिया में देखिए उनका आगमन होगा। और एक दिन पुनः पहले इन लोगों ने देखिए तमाम ऐसे दूर दूर से लोग आए हुए हैं जो कि बाबा से मिलना चाहते हैं और बाबा के पास अर्जी लगाना चाहते हैं। हम तमाम युवाओं से बातचीत करेंगे, आखिर कई ऐसे लोग विरोध भी कर रहे हैं, दिखाइए एक मरत, कई ऐसे लोग विरोध भी कर रहे हैं और कई ऐसे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग का कई दिनों से पहले आगमन उन लोगों का हो गया है, आप लोग खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं। बातचीत करेंगे, कई लोग विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, इतना बड़ा ये लगाया गया है तो विरोध कहाँ करो, अच्छा तो लग रहा है, बहुत बेस्ट लग रहा है, लेकिन तेज प्रताप यादव अलग मोर्चा छेड़े हुए हैं। उनको छोड़ने से क्या होगा, जो जो सब अथी रहेगा उसी न होगा। आप यही रहने वाले हैं? हाँ यही पर नौबतपुर कराने वाले हैं। बाजार में कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आए हुए हैं? बहुत दूर दूर से आए हैं, पूरा बिहार स्टेट से हो गया, फिर आपका यूपी से हो गया, कहाँ से तो आए, झारखंड से हो गया, कुछ सुने कि नेपाल से भी लोग आए हुए हैं, देश से बाहर के भी लोग। हाँ हाँ विदेश से भी आए हुए हैं। खाने पीने की उन लोगों की व्यवस्था बहुत फ्री है, सब चीज़ फ्री है यहाँ पर, खाना बहना सब चीज़ बहुत फ्री सब है यहाँ पे। हाँ 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 तो देखिए ये लोग बता रहे हैं कि रहने वाले हैं। हम मसौढ़ी से आए हैं। कितना किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से? यहाँ से 20 किलोमीटर। यहाँ अर्जी लगाने आए हैं और महात्मा जी का दर्शन के लिए आए हैं। तो क्या मतलब क्या होगा, कौन सा अर्जी लगाने के लिए आए, होता ना कि कोई इच्छा होता? हाँ, जीवन जीवन में बाल बच्चा को कैसा रास्ता मिलेगा, अच्छा बुरा, इन सब चीज़ों को जानने के लिए, बच्चों को भविष्य के लिए आप यहाँ पे आए? हाँ, बच्चों की भविष्य के लिए, अपनी भविष्य के लिए हैं, अपने बाल बच्चा परिवार। क्या लगता है बाबा भविष्य बना देंगे आपका? नहीं, भविष्य बना देंगे लेकिन कम से कम अच्छा और बुरा की जानकारी वो दे सकते हैं। पहले हम बात को जान के हाई अलर्ट जीवन में रह सकते हैं, सावधानी को रखते हुए आगे हम कार्य कर सकते हैं। कई लोग तो विरोध कर रहे थे, नहीं तो विरोध तो, लेकिन ठीक है, ठीक है, विरोध करते हैं, लेकिन हम देखें सुने समझे तो हमको लगा कि नहीं इस लाइन पे चलना चाहिए, हो सकता है लाभ हमको मिल जाए। कहाँ घर पड़ेगा? मेरा घर झारखंड है। झारखंड से आए हैं? काहे के लिए आए झारखंड से? पैसा खर्चा, वो श्रद्धा है, विश्वास है बाबा के प्रति। क्या श्रद्धा, क्या विश्वास है? जो काम बोलते हैं वो होता है, और हमको ये अपने जीवन में भी ये महसूस हुआ इस बात को। अगर ऐसा हो बोल देते कि इंडिया दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाता, नहीं बन जाता? ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं, उनके लिए कर्म। क्या कर्म किए? कर्म किए तो एक तो हो के पटरी जैसे हम लोग साथ साथ है, लेकिन एक नहीं है। क्या करेंगे, एक कर क्या करेंगे, भगाना है किसी को? नहीं, किसी को भगाना नहीं है, डराना भी नहीं है, धमकाना भी नहीं है उसमें। बाबा तो कभी नहीं बोलते हैं कि हम सब धर्म का इज्जत करते हैं। बाबा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, नहीं बोलते? राष्ट्र तो पहले से ही है। कहाँ पहले से है? पहले से ही है, हिंदू है। तो फिर आपका बाबा झूठ बोल रहा है, तो हिंदू राष्ट्र का मांग करते हैं? बाबा एकदम सच बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पहले से हिंदू राष्ट्र है ही, बाबा हिंदू राष्ट्र की मांग की? मांग जरूरी है। क्या जरूरी है, हिंदू है तो मांग दे। प्लेट में खाना है तो फिर खाना मांगने का जरूरत है, खाई ना उसको। हिंदू राष्ट्र हो ना समस्या, फिर हिंदू राष्ट्र हो जरूरी है। क्या जरूरी है हिंदू राष्ट्र होने के लिए? तो क्या क्या फायदा मिलेगा हिंदू राष्ट्र का? तो पेट्रोल कम हो जाएगा एकदम होगा। अच्छा, हिंदू राष्ट्र पेट्रोल हाँ होगा। अब देखिए ना कितना था हिसाब किताब लगाइए, 2011 का अभी अभी ये 2011 का हिसाब किताब लगाइए, अभी देखिए कितना सस्ता, 85 रुपया 70 रुपया, तो अब 105 रुपया। अब मजदूरी भी देखिए ना, तब 150 रुपया मजदूरी था, 500 रुपया हो गया, ये भी तो देखिए। अच्छा, बाबा का भजन सुनाइए आप। बाबा का भजन? हाँ बाबा। अरे अद्भुत अद्भुत नजारा हमने देखी, अरे देखी इस दरबार में बाबा बागेश्वर का मिलन हो रहा है, मानो इस संसार में।
बाबा बागेश्वर का मिलन हो रहा। आ जाओ तो पीछे ताली बजा दो, मानो है दरबार में। बाबा का आगे 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 लाइक आगे लाइक सन्यासी बाबा की जय। अरे सरकार की। और एक बात सनातन धर्म की जय। आगे बोलिए। एक बात और सब दर्शक से कहना चाहेंगे कि हम लोग आए नहीं है, लाए गए, वो लाया है, है? हम लोग लाए गए हैं, बाबा लाए हैं उठा के, हमको झारखंड से लाए, किसी को नेपाल से लाए, किसी को और कहीं से लाए, लाए हैं। कैसे लाए हैं बाबा, कैसे लाए? वही याद, यही तो चमत्कार है, यही तो इनका चमत्कार है। अरे आप नहीं आए यहाँ, हनुमान जी ने बुलाया है। आप नहीं आए हैं यहाँ, हनुमान जी ने बुलाया है। और क्या, सन्यासी बाबा की सेना, सन्यासी बाबा की सेना यहाँ पे डेरा लगाया है। सन्यासी बाबा की सेना यहाँ पे डेरा लगाया है। अरे जिनको जो जो मांगना है, जिनको जो जो मांगना है, अरे मांग लो अरमान से, मांग लो अरमान से। भगवान की ये कृपा है, ये बाबा बागेश्वर का ही देन है कि उनका भजन गा सकते हैं वो, नहीं तो किसका औकात है जो उनके मर्जी के बिना बागेश्वर धाम की मर्जी में। हाँ एकदम है। धीरेन्द्र शास्त्री के लोग बोले नहीं आने देंगे यहाँ पे। नहीं नहीं, वो सब तो टोटका है, वो सब कुछ नहीं है, वो सब झड़ मुआ है, अलग अपना छिड़े हुए हैं, वो छिड़ने दीजिए, उसका कब्र खुद गया है, थोड़ा दिन बाद फिल्म खत्म हो जाएगा उनका। तेज प्रताप का क्या हो गया है? अब देखिए हिंदू का विरोध करता है वो, हिंदू वो तो अभी आए ही नहीं, बोलते हैं एयरपोर्ट पर घेराव करेंगे। बताइए वो बयान क्या देंगे, नहीं देंगे, अभी आए ही नहीं है, बोलते हैं एयरपोर्ट पर घेराव करेंगे, तो क्या है ये, क्या है, क्या है जो हिंदू विरोधी वाला काम है उनका? अच्छा सपोर्ट करेंगे तो हिंदू का सपोर्ट है, सपोर्ट नहीं 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 सपोर्ट, अब बात बोल रहे हैं सपोर्ट का। बाबा तो नहीं कहते कि हम अकेले, हम तो बाबा कहते सबके हैं, सबके बाबा हैं, सबके हाँ सबके हैं।